देखिए, हमारा अभियान पूरे DHUN के क्षेत्र में ही चलता रहता है, और बिजली चोरी की जो घटनाएं हैं वो लगभग हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिलती रहती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। और हमारा जो प्रयास ये रहता है कि किसी भी सभी इलाकों में बिजली चोरी की घटनाओं को बंद किया जाए। पिछले साल हमने 156 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी थी, और जिसमें से 60% पेनल्टी रिकवरी भी कर ली है, बाकी कोर्टों के तहत ये रिकवरी होती है, तो बाकी में प्रयास है हमारे। और साथ ही में हमने एक ये भी ये योजना बनाई है कि जिन फीडर्स पे ज़्यादा लॉसेस है, कहने का मतलब ज़्यादा लॉस है तो या तो टेक्निकल लॉसेस हो सकते हैं या जो थेफ्ट हो सकती है, तो जहाँ तकनीकी कमियां हैं उनको, तकनीकी खामियों को दूर करें सिस्टम से, और जहां चोरियां हैं वहां चोरियां पकड़ें। तो हम ये टारगेटेड हमारी अप्रोच रहती है कि इस तरह से हम चोरियां पकड़ें, और इसी का रिजल्ट है कि हमारी जो सक्सेस रेशियो है, जितने हम प्रीमाइस चेक करते हैं उसके एवज में हमें थेफ्ट अच्छी डिटेक्ट होती है। साथ ही में हमने XYZ पोर्टल भी लगाया हुआ है, और दूसरी लाइन्स भी हमारी चालू रहती है, और साथ ही हम लोगों को रिवार्ड मनी भी देते हैं जो हमें सूचना पुख्ता सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं। लगभग अगर अंदाजा माना जाए तो कितना जुर्माना जो चोरी करने वालों से वसूला जाता है? हाँ, 2022 तक हमने अभी तक 51 करोड़ रुपए की पेनल्टी लोगों के ऊपर इम्पोज की है, और 13,242 मामले ऐसे आए हैं जहाँ चोरियाँ पकड़ी हुई है, और हमारी पेनल्टी इसी दौरान 61% की रिकवरी है, जो कि आप देखें तो पिछले 3-4 सालों में सबसे अच्छी रिकवरी का परसेंटेज है। सर, फिर भी अंदाजन हरियाणा में किस इलाके में सबसे ज़्यादा चोरी के मामले जो बिजली के होते हैं, कुछ भी अगर देखिए, हर जिले में कोई ना कोई फीडर होता है, हर जिले में कोई ना कोई एक कुछ इलाके होते हैं जहाँ पर हाई, जहाँ पे लॉसेस ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे चोरी की घटनाएं होती है, और हमारे हमेशा वो टारगेट पे रहती है। मैं किसी एरिया के बारे में तो नहीं कहना चाहूँगा, और लगभग ये मान के चलिए कहीं ज़्यादा कहीं कम हर जिले में होती है।